हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिएटिंग अ लाइनक्स मशीन यूजिंग पासवर्ड मेथड। ठीक है, एक हम लाइनक्स मशीन यूज करेंगे यूजिंग SSH मेथड। ठीक है, एक अपन यूज करेंगे पासवर्ड मेथड, वो भी किस पे? पुट्टी पे। ठीक है, एंड देन अपन करेंगे SSH मेथड किस पे? पुट्टी पे। एंड हम लोग करने वाले हैं विंडोज वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका भी अपन डेमो देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से बैठ जाइए, अगर आप इसमें से एक भी क्रिएट देखना चाहते हैं तो आप प्लीज लाइन में बने रहिए, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। एक बार सबसे पहले अपन करेंगे दिस वन एंड देन दिस एंड दिस एंड दिस। बेसिकली पांच तरीके से मैं लॉन्च करके आपको दिखाऊंगा वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूं अपने पोर्टल के अंदर। ठीक है, पोर्टल पे आने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि आपको सर्च करना होगा वर्चुअल मशीन, आपको यहां पे मिल सकती है वर्चुअल मशीन, यहां पे मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, दिस वन। एंड अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, एंड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे इस पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। तो बेसिकली आप यहाँ पे जाना एंड क्रिएट कर देना। सबसे पहले अपन करने वाले हैं क्रिएट लाइनक्स वर्चुअल मशीन यूजिंग पासवर्ड मेथड। ठीक है, पासवर्ड मेथड करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बना सकते हो नया रिसोर्स ग्रुप। आप इसको कर दोगे VMRG यानी वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया ओके। एंड ये मेरी है पहली मशीन, तो इसका मैं नाम डाल देता हूं डेमो वन हाइफन, और इसका नाम डाल देंगे हम पासवर्ड। ठीक है ना, पासवर्ड VM, नॉर्मल VM है ये हमारी, डिपेंड किस पे करती है, पासवर्ड मशीन पासवर्ड वाले मेथड पर। ठीक है, और इसको हम अवेलेबिलिटी अगर जोन में चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वेस्ट यूएस की बात करते हैं हम, ठीक है, या फिर वेस्ट यूएस पे ही चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी जोन से अगर जोन 1 2 3 कोई भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिक्योरिटी टाइप का अगर स्टैंडर्ड रहेगा, इमेज हमारी 20.04 उबंटू रहेगी। ठीक है, एंड रन विद स्पॉट डिस्काउंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड हम यहाँ करने वाले हैं पासवर्ड, तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा पासवर्ड पे। नेक्स्ट अपन करेंगे SSH। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बनाना होगा पासवर्ड यूजर नेम, जिसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एज्योर यूजर। ठीक है, ये बन गया मेरा यूजर नेम। एंड इसी का मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ एज्योर यूजर 12@। ठीक है, एंटर AZURE एज्योर USER यूजर 12@। ठीक है, ये मेरा हो गया पासवर्ड बेसिकली। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया चीजें। अब इनबाउंड रूल की बात करूं तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना, ठीक है, इन दोनों को अलाउ कर देना, ताकि अगर मुझे एक्सेस करना हुआ इसको बाहर से, है ना, तो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे। बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। एंड यहाँ पे हमें कोई चीज छेड़ने की जरूरत है नहीं, नेटवर्किंग में छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हमें कोई चीजें फिलहाल यहाँ छेड़नी नहीं है, सिंपली अब चलते हैं अपन रिव्यू प्लस क्रिएट पे। एंड यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पे, ये आपका दिखा रहा है कि मुझे ₹7 पर आवर के हिसाब से पड़ेगा इस मशीन पे। ठीक, तो ये हो रहा है वैलिडेशन और ये हो गया वैलिडेशन पास। एंड मैंने कर दिया क्रिएट पे क्लिक, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ गया इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, एंड यहां से हो जाएगा मेरा डन। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ गया योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। ठीक है, ये टाइम लगता है, 2 3 मिनट लग सकते हैं इसमें आपको। ठीक है, आप मत सोचना कि आपका भी फट से मेरी तरह तुरंत हो जाएगा। चलते हैं गो टू रिसोर्सेज पे, राइट। एंड ये देखो मैंने नाम रखा है ना डेमो 1। ओके, सो इसका नाम है डेमो 1 पासवर्ड VM। ठीक है, मतलब डेमो 1 है ये, और किसका पासवर्ड, ये पासवर्ड वाला मेथड है किसके लिए, वर्चुअल मशीन के लिए। ठीक, एंड सिंपली अपन यहाँ से करेंगे कनेक्ट पे क्लिक, एंड यहाँ से हम कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये दिखाना था, ये था मेरा पासवर्ड मेथड। ठीक है, एंड हम चलेंगे अब नेक्स्ट के लिए। मैं सिंपली जाऊंगा नेक्स्ट पे, ये देखो यहीं पे मैं सारी बना दूंगा। ठीक है, एक साथ, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम वर्चुअल मशीन एक साथ हम बहुत सारी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया मेरा पासवर्ड मेथड, हम चलेंगे सिंपली नेक्स्ट वाले पे, और वापस से मैं करूंगा एज्योर मशीन पे क्लिक वर्चुअल मशीन पे। एंड सिंपली यहां पे मैं दोबारा से इसका कर दूंगा डेमो VMRG, है ना, वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप मेरा इसका ग्रुप है। एंड अपन बात करेंगे वर्चुअल मशीन इसकी, एंड यहां डालता हूं मैं डेमो 2 हाइफन, ये हो जाएगा SSH VM। ठीक है, ये सही है ओके। सो ये मेरा वेस्ट में है, एंड अवेलेबिलिटी जोन चलेगा कोई भी चलेगा, सिक्योरिटी टाइप सेम सेम। एंड यहां पे आने के बाद हम करेंगे SSH पे क्लिक, ठीक है, पब्लिक की पे। ठीक है, सो यहां मुझे क्या करना होगा, जनरेट करनी होगी न्यू पब्लिक की, अगर आपके पास पुरानी है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कर लेना जनरेट न्यू की पेयर, राइट। एंड यहां पे आने के बाद आप SSH अलाउ कर सकते हो, HTTP भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको अलाउ करने से। ठीक है, एंड सो ओके, सो यहां पे मैं कर दूंगा इस की का नाम मेरा ये रहने वाला है, ठीक
ठीक है, डेमो वन SSH VM की, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसका नाम डालने वाला था, सॉरी डेमो टू, वन मेरा पासवर्ड वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, दिस वन डेमो टू SSH VM की, एंड सिंपली अपन जाएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ में कोई चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट करते जाइए, या फिर आप कर दीजिए रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, डिफरेंस इतना ही था, उसमें मुझे की जनरेट करनी थी इस वाले में, एंड उस वाले में मुझे की जनरेट नहीं करनी थी, ठीक है, जब मैं इस पे लॉन्च करूंगा तो मुझे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हो, ये हो गया आपका वैलिडेशन पास, आप सिंपली कर दो क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, यहाँ पे अभी आपका डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख कर आएगा जनरेट न्यू की पेयर जो आपने बनाया था, आप चाहते हो उसको डाउनलोड करना, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, बेसिकली आप लोग भी अपनी कर लेना, आपकी जो कीज होंगी, मैं जो भी की यहाँ बनेगी उसको आप डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट टाइम आपको काम आएगी जब आपको करना होगा कनेक्ट, ठीक है, सो ये देखो बेसिकली हो गया डाउनलोड, जो कि डॉट पैम फाइल है, सो ठीक है, इट्स गुड, इसे आपने कर दिया है जनरेट, एंड रिटर्न टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, डाउनलोड मैंने कर ली है, एंड मैं वापस से आगे मैं क्रिएट पे अपने चलता हूँ, एंड आप देखोगे यहाँ पे लिख करके आ रहा है इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट एंड सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, एक डिप्लॉयमेंट को सबमिट कर रहा है, एंड देन यहाँ पे वापस से भी लिख करके आ जाएगा जो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, एंड हम 2-3 मिनट रुकेंगे, एंड देन सी दिस, ये लिख के आ गया, एंड जैसे ये हो जाता है मैं आता हूँ, ओके फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ लिख के आ गया योर डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीट, ठीक है, सिंपली करेंगे गो टू रिसोर्स पे क्लिक, ठीक है, एंड सी दिस, ये आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है, आप यहाँ सिंपली कनेक्ट पे जा सकते हो, एंड सिंपली आप करोगे SSH पे क्लिक, एंड जब आप उसको रन करोगे तो आपको ये टाइप करना होगा लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जब हम रन करेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ लॉन्च करना समझा रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो कि थी हमारी जिसमें हम लॉन्च करने वाले हैं यूजिंग पुट्टी मेथड, ठीक है, तो मुझे उसके लिए डाउनलोड करना होगा पुट्टी, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ गूगल पे चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डाउनलोड पुट्टी, ये आपको पहला लिंक मिलेगा, आप सिंपली क्लिक कर लेना, एंड यहाँ पे लिख करके आपको डाउनलोड पुट्टी, इस पर आप क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपके विंडोज के अगर आप हैं 64 बिट पे तो आप यहाँ से क्लिक कर लेना इस वाले लिंक पे, ठीक है, और अगर आप 32 बिट पे हैं तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना बेसिकली, ठीक है, सो मैं कर लेता हूँ 64 बिट वाले पे क्योंकि मेरा 64 बिट है, ठीक, एंड ये यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेना बेसिकली, ठीक है, एंड यहाँ कर देंगे रन पे क्लिक एंड नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ आपको दिखेगा क्लियरली अब, ठीक है, एंड इसे करता हूँ मैं नेक्स्ट, ये डाउनलोड होगा हमारा सी ड्राइव में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एड शॉर्टकट टू पुट्टी ऑन डेस्कटॉप, ये नहीं है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट आप कर देना सिंपली, एंड ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है, अब जब तक ये इंस्टॉल होता है इतना आपको समझ में आ ही गया है कैसे इंस्टॉल करना है इसको, इसको होने देते हैं इंस्टॉल, और हम चलते हैं अपने नए मशीन पे, हमें क्रिएट तो करनी पड़ेगी ना, हम लॉन्च करेंगे पुट्टी के थ्रू, बट मुझे यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, सो मैं आ गया हूँ अपने रिसोर्स ग्रुप पे, एंड मैंने अपना चूज कर लिया वही वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, एंड इसका नाम मैं डाल देता हूँ डेमो 3 -फन, इसका नाम डालूंगा पुट्टी पुट्टी पासवर्ड VM, ये ठीक है, डेमो 3 हो गया, ये पुट्टी पे लॉन्च करेंगे, पासवर्ड यूज करेंगे इसमें और VM वर्चुअल मशीन, ठीक है, क्योंकि ना पुट्टी के अंदर हम लोग पासवर्ड और SSH दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो ये वाला मैंने यूज किया है पासवर्ड वाला, एंड देन अपन सेकेंड वाला करेंगे वो होगा SSH, ठीक है, एंड सिंपली मैं वापस से जाऊंगा इन्हीं सब के साथ, सेम रखनी हमें चीजें छेड़नी जरूरत है नहीं, एंड ये वाला है मेरा पासवर्ड मेथड, मैंने वापस से किया पासवर्ड, एंड वापस से हम करेंगे एज्यूर यूजर, एंड यहाँ कर दूंगा एज्यूर AZURE एज्यूर USER यूजर 12@, ये मेरा पासवर्ड, ठीक है, AZURE यूजर USER यूजर 12@, ठीक है, सो यहाँ मैं कर दूंगा अलाउ पोर्ट सारे, ठीक है, अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपली सिंपल ही है ये, ठीक है, कोई वैसा कोई झाम वाली चीज है नहीं, ठीक है, एंड सिंपली यहाँ पे कर देंगे अपन रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, एंड ये मेरा क्रिएट हो रहा है अभी, इसको होने देते हैं क्रिएट, और चल के जब तक अपन देखते हैं कि हमारा पुट्टी का क्या हाल है, ओके, सो पुट्टी हो चुका है, देखो यहाँ पे डाउनलोडेड, ठीक है, एंड मैं यहाँ सिंपली करूंगा यहाँ पे क्लिक एंड फिनिश, ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसने बोला है ओके कुड नॉट रिजल्ट एक्सक्यूडिंग रीजन, ओके, सो इसने बोला है कि आपको रीजन अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मैं करता हूँ ईस्ट US में जो कि डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे क्रिएट, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया योर डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीट, ठीक है, मैं सिंपली क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्सेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको जो चीजें आ जाती हैं इसमें कैसे करते हैं कनेक्ट, इसमें देखो कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाना आप पुट्टी ओपन कर लेना, ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ जाना एंड ना टाइप करना पुट्टी, ठीक है, लाइक दिस, एंड आपको क्लिक कर देना पुट्टी पे, यहाँ पे आप आ गए,
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपकी जो वर्चुअल मशीन है ये पुट्टी वाली, इसमें आपको अपने पब्लिक आईपी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर ली यहाँ से, एंड आपने अपना ओपन किया पुट्टी, एंड यहाँ पे सिंपली कर दिया पेस्ट, ठीक है, आपने सिंपली कर दिया पेस्ट, ठीक। अब मैं करता हूँ ओपन पे क्लिक, ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा, आपको करना है इसे एक्सेप्ट, एंड आपको लॉग इन डालना है, तो आपको डालना होगा AZURE Azure User, ये, और पूछेगा पासवर्ड, तो AZURE Azure USER User 1, शिट थोड़ा सा ना 1 और 2 का मेरा आपस में यहाँ हॉटस्पॉट हो गया, मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ, AZURE USER 1 2@ एंटर, ठीक है। आपको डालना है ID, पासवर्ड एंड सी दिस, आपका ये हो गया कनेक्ट, ठीक है, लाइक इतना सिंपल था, तो ये आपका पासवर्ड मेथड है, ठीक है। एंड बाकी आपको जो कमांड डालनी है वो आप ये डाल सकते हो, सिंपल ऐसे क्लियर लिख लो, लाइक जो भी करना है आपको, ठीक है। सपोज आपको इंस्टॉल करना है अपाचे, ठीक है, जस्ट इन केस, ठीक है, तो मैं सुडो SU-हाइफन करूंगा, ठीक है, आप आ गए, बन गए रूट यूजर, ठीक है। आप इसके बाद यूज कर सकते हो सुडो apt-get update, क्योंकि इन लिनक्स है, ठीक है, तो सुडो apt-get update, सॉरी अपडेट, ठीक है, ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड आपको इंस्टॉल करना है इसके बाद इस पर क्या चीज, Apache 2, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आने के बाद आपको सिंपली टाइप करना होगा दिस कमांड, जो कि है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, राइट क्लिक करके मैं सीरियस, सुडो एप्ट गेट इंस्टॉल अपाची, कहाँ गया, मैंने टाइप किया अभी अभी, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ना हिस्ट्री कमांड कर दूंगा, जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, ये हो रहा है इसमें इंस्टॉल, इसको मैं कट ऑफ Ctrl+L, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मैंने क्या कमांड यूज करी थी, आपको पता ही होगा यार अगर आप मेरे वीडियो तब तक देख रहे हो तो, ठीक है, ये कमांड थी मेरी sudo apt-get install apache2, ठीक है। अब मैं लूंगा sudo systemctl, ठीक है, और मैं करूंगा स्टार्ट, ठीक है, apache2, एंटर, ठीक है, ये कर दिया मैंने, एंड स्टार्ट के बाद मुझे क्या करना है, इनेबल इनेबल apache2, एंटर, ठीक है। सो इसने क्या कर दिया, इसने इनेबल कर दिया। अगर मैं चेक करूं स्टेटस, sudo systemctl status apache2 सीरीज एक्टिव दिखा रही है ना, मतलब अब मैं अगर अपनी इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे अपाचे का मेरा पेज इंस्टॉल हो गया इस पे, है ना, अपाचे का उबंटू सर्विस पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको करंट करके नहीं दिखा रहा था कोई मशीन, सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जो कि है पुट्टी में SSH मेथड के साथ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहां करूंगा क्रिएट पे क्लिक, अजूर वर्चुअल मशीन, ठीक है, एंड यहां पे आने के बाद मैं सिंपली कर दूंगा फ्री ट्रायल, एंड यहां पे अपना वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप रहेगा, एंड ये हो जाएगा मेरा डेमो 4, ठीक है, डेमो 4, ये है SSH, ठीक है, SSH पुट्टी VM, ठीक, यहां तक समझ में आ गया भाई, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड मैं करता हूं इसको EastUS पे क्रिएट, एंड देन अपन चलेंगे SSH पे, और यहां भी मुझे करनी होगी इस पर क्लिक, ठीक है, जनरेट अ न्यू की पेयर डेमो 4 लाइक दिस एंड दिस, एंड इसको रखूंगा ऐसे ही, ठीक है। इसमें आप कर लेना नाम अपना डाल सकते हो आप, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है एज्योर यूजर, ठीक है, एंड जो की पेयर है मेरी ये है, ठीक है, ये एंड सिंपली कर दूंगा मैं इसमें रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, एंड इसको मैं वापस से क्रिएट होने का वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या कर रही है, वैलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, जैसे हो जाएगा ये वैलिडेशन मेरा ओके, सो इसमें फिर तो कुछ आ गया है, द टेम्पलेट पैरामीटर सबनेट नेम इज नॉट फाउंड प्लीज ओके सिंटेक्स, ठीक है। आप एक बार चलते हैं वापस बैक, और ओके सो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने कहा था SSH, ठीक है, यहाँ पे मुझे यूज करनी थी मेरी एग्जिस्टिंग की पेयर, ठीक है, मुझे करना था एग्जिस्टिंग की स्टोर जो मेरी थी, ठीक है, लाइक दिस ओके, और मैं यहाँ पे करूंगा की बात करूंगा तो दिस वन, ठीक है, डेमो 2 की मेरी की थी, मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है, ये भी मैं कर सकते हैं, हम करेंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, एंड अभी वापस से ये वैलिडेट करेगा एक बार और देखते हैं फिर, अगर ये से नहीं करता वैलिडेट ओके, सो इसने कर दिया, अगर नहीं करता तो हमें वापस से एक पैम फाइल क्रिएट करनी पड़ती, ठीक है, जो कि पीपी के तो ये लेता नहीं है ना, तो मुझे पैम फाइल क्रिएट करनी पड़ती, उसको हम लोग कहाँ से चेंज कर सकते थे, यहाँ पे ना आप सिंपली सर्च कर सकते हो पुट्टी जेन, ठीक है, एंड यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, और आपकी जो आप यहाँ से एक फाइल जनरेट करके लोड कर लोगे तो आपकी ये फाइल जनरेट कर देगी, इसमें पेम फाइल कर देगा जनरेट, ठीक है। सो ये भी एक सिंपल सा मेथड है, आप ये भी कर सकते हो इसमें बेसिकली, ठीक, और नहीं करना है तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, यहाँ तो डिप्लॉय हो रहा है, इसको होने देते डिप्लॉय, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब आगे बात जहां पे कहां पे आएगी, जब मुझे लॉन्च करना होगा, तो मैं एक बार दिखाऊंगा अभी आपको कि लॉन्च कैसे करेंगे पुट्टी पे, अगर ऐसे करेंगे ठीक है। बाकी सब सिंपल होते हैं, एंड पुट्टी वाला कैसे करते हैं उसकी बात अपन कर लेंगे अभी। फिर इस डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट ठीक है, मैंने क्या गो टू रिसोर्स पे क्लिक ठीक। एंड गो टू रिसोर्स पे जाने के बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन कनेक्ट का ठीक है, बट यहाँ से हमें नहीं करना है क्योंकि हमें पुट्टी से करना है। तो मैं सिंपली अपन खोलना दोबारा से पुट्टी ठीक है, इसमें यहाँ से बंद करता हूँ, ये पिछला सेशन है मेरा। यहाँ पे अपन जाएंगे एंड वापस अपन टाइप करेंगे पुट्टी, एंड पुट्टी पे क्लिक कर लेंगे एंड पुट्टी ओपन कर लेंगे। और पुट्टी ओपन करने के बाद ये मेरा डेमो 4, मैं ऐसे करूंगा कॉपी पे क्लिक ठीक है, एंड वेयर इज पुट्टी, एंड मैंने किया पुट्टी पे पेस्ट। बट इस बार मुझे क्या करना है, ये है कौन सा मेथड, SSH ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा SSH पे, जो कि यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आना होगा ऑथराइजेशन के अंदर एंड क्रेडेंशियल्स के अंदर ठीक। ऑथराइजेशन के अंदर आके आना है आपको क्रेडेंशियल्स में, एंड यहाँ पे आपको ब्राउज करना है आपकी जो की आपने डाउनलोड करी है, दैट की हम बात करते हैं, जो कि ये रही मेरी न्यू की ठीक है। ये ओके, सो ये अभी की नहीं है, थोड़ी पुरानी है ये ठीक है। देखो ये डाउनलोड पे है मेरी, लेकिन ये क्या है, डॉट पेम फाइल है ठीक है, पेम। पर मुझे पुट्टी के लिए पीपीके फाइल चाहिए राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहां से करूंगा पुट्टी जेन ठीक है। पुट्टी जेन पे मैंने क्लिक किया, तो पुट्टी जेन पे जाना ठीक है, लोड कर देना ठीक है। यहां पे आप कर देना ऑल फाइल्स, ये वाली फाइल आप क्लिक कर लेना ठीक है, ओके कर देना। सिर्फ प्राइवेट की कर लूंगा मैं इसको एक बार ठीक है, एंड यस कर देंगे। एंड इसका नाम मैं डाल दूंगा, इसका मैं डाल देता हूं एज्योर की लेटेस्ट ठीक है, एंड कर दूंगा सेव पे क्लिक ठीक है। एंड इस बार मैं करूंगा ऐसे लोड, तो आपको मिलेगी एज्योर की लेटेस्ट ठीक है। एंड मैं इसे कर दूंगा सिंपली कैंसिल ठीक है, इसे कर देंगे कैंसिल। अपन चलेंगे अब वापस से खोलेंगे पुट्टी ठीक है, एंड यहां मैं करूंगा पेस्ट, ये मेरी होगी पब्लिक आईपी, यहाँ की सीधी सी पब्लिक आईपी है मेरी, यहाँ मैंने पेस्ट कर ली इसको ठीक है। एंड जाएंगे SSH पे, ऑथराइजेशन पे, क्रेडेंशियल्स पे, सिंपली करेंगे ब्राउज पे क्लिक एंड सी दिस एज्योर की लेटेस्ट ठीक है। एंड इसमें कर दूंगा क्लिक एंड कर देंगे ओपन, एंड यहाँ पे आपको डालना है अपना यूजर नेम ठीक है, एज्योर यूजर, एंड देन ठीक है, एंड ये इंपोर्ट हो गया हमारा SSH की, एंड यहाँ से एक्टिव ठीक है। ये हो गया मेरा SSH मेथड ठीक है। अब अपन करने वाले हैं जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सेशन है, जो कि है विंडोज मशीन ठीक है। विंडोज मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, यस क्लोज दिस सेशन, एंड हम गए सिंपली होम पे, वर्चुअल मशीन पे गए, एंड यहाँ पे मैं गया क्रिएट पे, क्रिएट वर्चुअल मशीन एज ऑलवेज, हमने जैसे सारी मशीन क्लिक करी हुई है ठीक है। रिसोर्स ग्रुप पे जाएंगे एंड करेंगे VM रिसोर्स ग्रुप ठीक है, इसका नाम डालूंगा मैं Demo 5, और यहाँ हो जाएगा विंडोज VM ठीक है, इजी है। बट इस बार सब कुछ एज इट इज नहीं रहने वाला, क्यों, क्योंकि आपको यहां पे करना होगा विंडोज चूज, जो कि है दिस, मैं यहां कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एज्योर एडिशन लेटेस्ट एडिशन ठीक है। एंड अपन सिंपली आ जाएंगे, 2 VPs आर नीडेड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, सो ठीक है फॉर दिस एंड ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है भाई, कि इसने बोला कि आपने जो है वो ऑलरेडी ले रखा है इतने सारे, आप कुछ को बंद करो, आपके फ्री टायर के अंदर ये सब अलाउड नहीं है इतना ठीक है। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं जाता हूँ सिंपली यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं अपने कुछ बंद कर लेता हूँ, लाइक दिस वन एंड दिस वन ठीक है, इन दोनों को मैं बंद कर लेता हूँ, SSH एंड SSH को, इनको मैं जाता हूँ सिंपली यहाँ पे जाकर के आप करना डिलीट पे क्लिक, एंड अप्लाई पोस्ट डिलीट वर्चुअल मशीन, टाइप करना येस एंड डिलीट, एंड ये हो जाएंगे डिलीट हमारी। जब ये डिलीट हो जाएंगी तभी हमें मिलेगा वहां से, भाई मैंने आपसे कहा था ना मशीन हमारी बैकग्राउंड पे सेम है, अब फ्री टीयर के अंदर हमारे कितने रहते हैं, इतने नहीं होते हैं ठीक है कि हम सारे एक साथ बना सकें, बट ठीक है जितने हम बना सकते हैं मैक्सिमम बना सकते हैं, इनको हम अपना मशीन कम भी कर सकते थे, बट ठीक है चलता है, फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, चलते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन पे, जो हम बना रहे थे फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम डाल देता हूँ मैं, क्या था इसका, Demo 5 विंडोज विंडोज हाइफन वर्चुअल मशीन ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली करना है सिलेक्ट विंडोज सर्वर 2022 एंड सी दिस, यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि नहीं है बट ये हो जाएंगे ठीक है। यू रिसेंटली यूज दिस वन, ओके फिलहाल मैं इसका नाम डाल देता हूँ AZURE USER यूजर, एंड और पासवर्ड डाल दूंगा मैं एडमिन admin12@ ठीक है, admin12@ ओके। सो मस्ट बिटवीन 12 से 13 करेक्टर, ओके सो मुझे वही डालना पड़ेगा, ZURE USER यूजर 12@ ठीक है, AZURE USER यूजर 12@।
ठीक, इसमें करता हूँ रिफ्रेश कोटा पे क्लिक, एंड जैसे मैंने रिफ्रेश कोटा किया सीधे, क्योंकि वहां मेरी वर्चुअल मशीन डिलीट हो चुकी होंगी, तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो मुझे इसने अलाउड कर दिया, ठीक है कि भाई आपको अलाउट कर दिया कि आप देख लो। और पोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको रखना है RDP एक्टिवेट, क्योंकि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ये मेरा 3389 ही एक्सेस करता है। अब बाकी भी चाहो तो इन्हें अलाउ कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, ठीक है। यहां तक आप हो गया, ठीक है बहुत अच्छी बात है। मैं सिंपली करता हूँ रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसे होने देते हैं क्रिएट। ओके सो ये अब क्या टेस्ट कर रहा है वैलिडेशन, जैसे ये वैलिडेशन पास कर लेगा हम चलते हैं क्रिएट पे, एंड यहाँ पे लिख के आएगा अभी इनिशियलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज हो रहा हमारा सीरीज, इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस अभी लिख किया जाएगा यहाँ पे, एंड देन हमें 1-2 मिनट का अगेन टाइम लगने वाला है, एंड विंडोज मशीन हमारी सामने आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ गया योर डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीट, हमारा डिप्लॉयमेंट कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं सिंपली करता हूँ गो टू रिसोर्स पे क्लिक, ठीक है, एंड सीरीज इस पे लिख करके आ रहा है कि यहाँ से आप इसे कर सकते हो कनेक्ट, ये मेरा VM यहाँ पे सारी डिटेल्स हियर इज की ओवरव्यू, हम करेंगे कनेक्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पे हो जाएगा RDP, ठीक है। और RDP की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा RDP डाउनलोड RDP फाइल, एंड सिंपली इसे कर देना ओपन, ठीक है। जैसे आप इसे ओपन करोगे आपको यहाँ लिख आएगा कनेक्ट का ऑप्शन, एंड ये सिंपली हो जाएगा कनेक्ट। यूजर नेम डालना है AZUREUSER, एंड AZUREUSER12@ एंड ओके एंड यस। एंड आप देख सकते हो कि यहां पे हम आ चुके हैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, जो कि मैंने नाम रखा था एज्योर यूजर, तो मैं इसी के अंदर आ चुका हूं, ठीक है। ये हो गई है मेरी विंडोज सर्वर, ठीक है आप सभी के सामने आ गए, आप लोग देख सकते हो ये है मेरा विंडोज सर्वर, और मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के विंडोज सर्वर के अंदर। तो बेसिकली ऐसे ही लॉन्च करना है आपका विंडोज सर्वर, सो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं, तो आई गेस आपका भी हुआ होगा लॉन्च ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा स्लो रहता है ये, इसीलिए ज्यादा ज्यादा मैं विंडोज सर्वर चलाता नहीं हूँ, एंड सी दिस इसने लॉन्च कर दिया है मेरा विंडोज सर्वर, राइट। ओके सो आप लोग इसे यूज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि बस लॉन्च कैसे करते हैं, मैंने आपको समझा दिया दिखा दिया, सो यही था मेरा विंडोज सर्वर, मैं इसे करता हूँ यहाँ से नो, ठीक है। एंड सी दिस ये सारा डैशबोर्ड है मेरा, ऐसे दिखता है डैशबोर्ड इसका, ठीक है। यहाँ सारी चीजें लोकल सर्वर्स हो गया, ऑल सर्वर्स हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द बेसिक डैशबोर्ड जहाँ सारे ओवरव्यूज होंगे हमारे, रोल फीचर ऐड करने होंगे, सर्वर ग्रुप जो के जो भी सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। एंड मैं इसे करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ से भी करता हूँ मैं इसे क्लोज, और करते हैं सेशन को टर्मिनेट, राइट। और चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे, एंड इन सबको मैं फिलहाल कर देता हूँ स्टॉप, आप लोग इनको डिलीट कर देना लैब करने के बाद, मैं इनको यूज कर लूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएट वर्चुअल मशीन्स इजिली समझ में आ गए होंगे कि आप किन किन तरह से वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, आपके भी हो गए हैं लॉन्च ऐसे मशीन्स, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो तो चैनल को लाइक कर दो, एंड कमेंट तो कर ही दो भाई कि भाई मैंने कर लिया है लॉन्च, ठीक है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।